जी बता, बैल भी तो बेरोजगार हो गया ना मशीन आने से। ये मोदी के राज में इंसान बेरोजगार हो रहा है मशीन आ जाने के कारण, बैल भी बेरोजगार है, इंसान भी बेरोजगार है। मोदी के सरकार में आने वाला समय के अंदर लगता है कि पूरा बेरोजगार है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कमल नैन ब्लॉग्स में आप सभी को वेलकम करता हूँ। और अभी का समय हो चुका है 9 बजे अपनी ब्लॉग को स्टार्टअप किया हूँ। पूरी ब्लॉग के अंदर में बने रहें। अभी ऐसे प्रियंका देख सकते हैं, पूजा कर रही है, ये देख सकते हैं, ये चले भाई स्नान उस्नान सब कंप्लीट। पूजा कर रही हो, ये देख सकते हैं तुलसी जी इधर, इधर अभी कुछ बेलपत्ता भी बोली है, फूल कौन फूल, ओ बढ़िया बढ़िया। चलो करो जल्दी से फटाफट जी। रेडी, चलते हैं खा लेते हैं। फोन आ गया है, जिंदगी का खाना पीना हो गया, छत पे चढ़ रहा हूँ। बहुत ज्यादा आज धूप है, इसके चलते है जो गर्मी लग रहा है, इसीलिए है जो बहुत धूप तो है नहीं, धूप आ रहा है ज्यादा आ रहा है, कभी कभी ना कम हो रहा है। आँख तो खुली नहीं, आँख तो खुली नहीं रहा है, आँख खुल रहा है सही से, आँख तो खुली नहीं रहा है सही से, देखिए आँख धुंधला धुंधला लग रहा है। भगवान आज उधर में जी क्या था, नमक है पूरा धान है जो मैं जा रहा है भाई। एक मशीन आया है तो मशीन से थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा मशीन है भाई, ट्रैक्टर में सेट किया गया। ये कहाँ कहाँ मशीन है जो आ चुका है, तो ये हो गया पहले दमाही जो हम लोग करते थे बैल्स के माध्यम से, 10 गो बैल को जुड़ार करके, ठीक है। तो अब जो मशीने आ गया है ये देख लीजिए, मशीन के माध्यम से धान है जो निकाला जा रहा है, ये देख लीजिए। मैं आपको नज़दीक है स्वागत कर रहा हूँ, ये देखिए इसे देखकर धान है जो निकल रहा है, ठीक है, पलू गथी है जो निकल रहा है आपका भूसा, और तुरंत भर में हो जा रहा है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा। अब बैल का कोई ज़रूरत, बैल भी अब बेरोजगार हो गया भाई, पहले बैल जो लोग रखता था बैल भी बेरोजगार लगता, आते आते समय इंसान भी बेरोजगार हो ही रहा है। मोदी के राज में इंसान बेरोजगार हो रहा है भाई, अब जानवर उनवर भी बेरोजगार हो रहा है, इसलिए अब सोच समझ के ही जानवर को भी पालिए, इतना सारा मशीन आ रहा है ना, जितना अब जो गाय बच्चा दे रही है बाछा जो जितना हो रहा है उसको सब ऐसे ही छोड़ देता है। हाँ। वो बिकता उसका नहीं है, पहले 50,000-60,000 में बैल आता था एक करोड़, पहले तो पहले हुआ दूध जितना दिन चला उतना दिन रखा आदमी, उसके बाद छोड़ देता है। बोला इसको हटाओ अब नहीं, लेकिन इसका अच्छा ये चीज बता, बैल भी तो बेरोजगार हो गया ना मशीन आने से। ये मोदी के राज में इंसान बेरोजगार हो रहा है मशीन आ जाने के कारण, कंप्यूटर आ गए इतना सारा कि इंसान बेरोजगार हो रहा है। 10 गो एगो मशीन है जो 10 गो के काम है जो कर ले रहा है, और अभी अब बैलो बेरोजगार हो गया था, का कीजिएगा, बड़ा दुनिया बड़ा खराब हो रहा भाई, लगता है अब है जो धरती पर रहने का कोई जगह नहीं है। देखिए क्या होता है, अब ये तो वक्त ही बताएगा, अब कौन कौन से सरकार आएंगे तो पता चला कि कौन कौन से, अब धर्म क्या करे भाई, अब समझ ही नहीं आ रहा किन्हें जाए, अब समझ गए कहाँ जाएगी, सब तो बेरोजगार हो रहा है ना, सब बेरोजगार हो रहा, जैसे कि आपको हम अभी दिखाए, बड़ा संकट भाई। धीरे धीरे सुने में आ रहा है कि बच्चे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन है सो करते हैं, ठीक है,
एक्सप्लेन प्रियंका करेगी। मैं आपको इससे क्वेश्चंस करता हूँ। आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले हर लोगों के द्वारी पर एगो भैंस एगो गाय रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग पालना है जो छोड़ दिया है। जैसे कभी हम आप लोगों को बताए कि पहले दमाई जो होता था बैल के माध्यम से होता था, 10 गो बैल है जो घूमता था और उसी में बोलता था कि बैल मोटाता है दमाही में, ये कहावत है कैसे तो आप लोग पूरा कर दीजिएगा, हमको याद नहीं आ रहा है। बैल मोटाता है दमाही में, एक और इसमें जोड़ा लाइन है, ठीक है, आप लोग कमेंट में कर दीजिए, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कहावत था। तो भाई अब जी बताइए कि ये धीरे धीरे लग रहा है कि अब आने वाला समय के अंदर में इंसान भी विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना हाई है। ऐसे में अभी अब मोबाइल का युग है, अब मोबाइल के युग में हम लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, लेकिन 20 साल 25 साल पहले ये था नहीं। तो इंसान दम मिल के रहता था, मिली जुली भगत था, लेकिन मोबाइल तब से आया भैया तब से इंसान तो ज्यों का त्यों है, इंसान है जो ज्यों का त्यों है, लेकिन मोबाइलवा सबको जो दुश्मनी करेले हैं। अकेले रहना पसंद करेगा लेकिन बात नहीं करेगा, तीन को एक साथ बैठल रहिए तो तीनों अलग अलग मोबाइल लेके हुरी थे, दिन भर हुरी थे, बात नहीं करेगा। लेकिन पहले ये चीज़ नहीं था, पहले था कि मोबाइल यदि नहीं था तो एक यहाँ बैठे तो चार को बात कर रहा है, चार को बात कर रहा है दूसरे, लेकिन जमाना बदल रहा है दोस्तों, अब किसी के पास कोई बैठना ही नहीं चाहता है। बैल भी बेरोजगार है, इंसान भी बेरोजगार है मोदी के सरकार में, आने वाला समय के अंदर लगता है कि पूरा बेरोजगार है। हाँ वो तो बोल ही दिए, आदमी बेरोजगार है मोदी के राज में, तो मशीन आ रहा है भैया, तो सोच समझ के रहियो, बड़ा दिक्कत बा आने वाला समय में, सोचित रहा। 20 साल में इतना ज़्यादा हो चुका है, तो सोचिए अगला 50 साल में क्या होने वाला है, इस बात पे सोचिएगा ज़रूर आप लोग, और कमेंट है तो ज़रूर कीजिएगा। हमारा ब्लॉग को देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद देते हैं, ठीक है, और हमेशा है जो ब्लॉग लेकर के हम आते रहते हैं। आप लोगों से विनती यही करना चाहेंगे कि भाई को सपोर्ट करना ना भूलें, सपोर्ट जरूर करिए। कैसे करेंगे? लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके और फॉलो करके, समझ गए? तो बस भाई क्या करें, समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या होगा आने वाला समय के अंदर में, क्या होगा, ये होगा से अच्छा ही होगा हैं, वो तो लिखा हुआ ही है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो आने वाला है वो भी अच्छा होगा, ये तो किसी ने लिख दिया भाई, अच्छा तो हो नहीं रहा है, लिखने वाला तो लिख दिया कि जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो आने वाला है वो भी अच्छा होगा, लिखने वाला तो लिख के चला गया, यहाँ भुगत रहे हम और आप, समझ गए, हम और आप भुगत रहे हैं, इसको ज़ोर से अपनाइए। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक का जय हिंद, जय भारत, जय भारत, बाय बाय।